कान्हा की नगरी मथुरा के गोवर्धन धाम में अन्नकूट महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अन्नकूट महोत्सव में लगभग 70 देशों से आए कृष्ण भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अन्नकूट महोत्सव की परंपरा योगी राज भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व देवताओं पर राजा इंद्र के प्रकोप से अपने प्रिय ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात अपनी तर्जनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को आश्रय दिया था और अपने स्वरूप श्री गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना ब्रजवासियों से कराई थी। आज धर्म के चारों स्तंभ यानी चारों संप्रदाय के गुरुओं और सेवकों ने मिलकर श्री कृष्ण स्वरूप श्री गिरिराज महाराज पर पंचामृत से दिव्य अभिषेक कर अन्नकूट महोत्सव मनाया, तो वहीं क्या देशी क्या विदेशी भक्त भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर नाचते थिरकते नजर आए। इस महा अन्नकूट महोत्सव की शुरुआत श्रीधाम गोवर्धन के श्री गिरधारी गौड़ीय मठ और श्री माधव गोस्वामी गौड़ीय मठ से की गई, जहां हजारों की संख्या में लगभग 70 देशों से आए विदेशी भक्तों ने अपने सर पर अन्नकूट का प्रसाद रख गिरिराज परिक्रमा की और परिक्रमा के उपरांत श्री गिरिराज महाराज का अभिषेक कर आरती की। इस दौरान अन्नकूट महोत्सव में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि भगवान योगी राज श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। What's your name? Chandrika. Where are you coming from? Brazil. Very nice. How do you feel here, Govardhan Giriraji? Very happy, very fine. Very amazing place. And culture about, you want to say something about culture? Idhar. कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पर? थैंक यू सो मच महाराज जी। आज गिरिराज जी की पूजा अर्चना की गई है, सभी लोग साथ में आए, आपके हजारों संख्या में लोग साथ में, देश विदेश से लोग आए हैं, तो क्या कुछ मान्यता है इसे लेकर? मान्यता है भगवान कृष्णचंद्र प्रकट होकर के ये जगत को दिखाया, ये देव देवी के पूजा अपेक्षा गिरिराज के पूजा सर्वश्रेष्ठ दिखाया। वो गिरिराज और कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण ही गिरिराज के रूप में प्रकट हुए और स्वयं प्रकट होकर के गिरिराज की पूजा दिखाया। संसार के लोग काम क्रोध और माया मोह में मत्त होकर के दूसरी देव देवी की पूजा आदि करते हैं, किंतु कृष्ण ने देखा ये भ्रांत है। जीव स्वरूपत है, कृष्ण के दास है, दास होने के नाते जीव के एकमात्र कर्तव्य है, एकमात्र वरनंदन श्याम सुंदर के पूजा करना है। काम स्थित हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्न देवता, गीता में भगवान भी कहते हैं ये संसार के जीव अनेक प्रकार कामना वांछना में मत होर के और दूसरी देव देवी के पूजा आदि करते हैं, किंतु उस पूजा की जो फल देने वाले एकमात्र भगवान कृष्ण है। देव देवी के पूजा देने देव देवी के पूजा करके जो फल वो स्वयं कृष्ण ही देते हैं और देव देवियां वही फल भी जगत को देते हैं, किंतु संसार के लोग नहीं जानते। इसलिए कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा आदि करके दिखाया और इंद्र आदि देवताओं की पूजाओं के बंद करके दिखाया। ये मत्तं परतरं नन्नात किंचित अस्ति धनंजय, मैं छोड़ के संसार में कुछ नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ ये संसार में दिखाया। इस अन्नकूट महामहोत्सव भी यही भी दिखाया, ये देखो अन्नदान वस्त्रदान ये समस्त या जीवों की कल्याण तो होते हैं, कि सर्वश्रेष्ठ कल्याण जीव में है क्या? भगवान की सेवा और नाम संकीर्तन, जिससे हमारे चैतन्य महाप्रभु यही नाम संकीर्तन के द्वारा जगत में प्रचार कराया। ये सभी एक साथ में बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो हमारे गुरुदेव के उदाहरण, देखो चाइना से लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुणी गोपी दासी है। कहाँ के रहने वाली है आप? रियो ब्राजील, ब्राजील के रहने वाले। रियो दे जनेरो। आज गिरिराज पूजा की आपने? हाँ। जी के पूजा, तो क्या कुछ मान्यता ऐसे लेके, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? कृष्णा लिफ्टेड गिरिराज गोवर्धन शोइंग टू अस दैट ऑल
Krishna is supreme personality of Godhead. Everybody should worship him. No need to worship any demigods, any demigoddesses. Worship to Krishna is the topmost because the jiva, our soul, is eternal servant of Krishna. क्या feeling है आपकी feeling क्या है? Feeling बहुत आनंद है because we are here with Gurudev and Giriraj Govardhan, so we know that our life is successful because we worship Krishna under guidance of Gurudev. Thank you. रमणेश्वर मनी दासी है. आज गिरिराज पूजा की क्या कुछ इससे लेके मान्यता है और कैसा आपको लगा? गिरिराज पूजा की मान्यता ये है कि जैसे हम और संसार में देखते हैं कि सब लोग अपनी इच्छा कामना के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, उपासना करते हैं, पर वो लोग ये नहीं जानते हैं कि गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा. गिरिराज स्वयं क्या है? कृष्ण है. और कृष्ण क्या है? पर देवता. कृष्ण क्या है? हमें सब कुछ दे सकते हैं. अगर हम गिरिराज पूजा करते हैं तो इस संसार में जो भी इच्छा करें अथवा नहीं करें वो क्या है, हमें मिलेगी ही मिलेगी. और कृष्ण कृपा करके हमें देंगे ही देंगे. और गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में हम क्या कर रहे हैं? गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं. और आज बड़ा आनंद का उत्सव है. हम सब सबको ये मैं अपनी तरह से ये बोलना चाहूँगी कि किसी भी देवी देवता के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो कोई स्वतंत्र देवी स्वतंत्रता से अपना कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से लेके ही दे सकते हैं. तो हमें डायरेक्ट क्या करना चाहिए? सुप्रीम पर्सनैलिटी के पास जाना चाहिए. गौर प्रेमानंद.